अभिवादन दोस्तों, गुड इवनिंग। और माफी चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल दिल से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था इस वक्त गुलबुखारी हमारे साथ होंगी, लेकिन थोड़ी सी उनकी मुश्किल हुई है, तो वो आ रही हैं थोड़ी देर में। उनके साथ भी मैं क्या कहूँ, वो मेरी दोस्त हैं तो उनको मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। और उनके साथ ट्रेजडीज जो है ना वो होती रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे अनएक्सपेक्टेड ट्रेजडीज पाकिस्तान के साथ होती रहती हैं, वैसे पाकिस्तानियों के साथ भी होती रहती है। तो ये मेरी दोस्त पाकिस्तानी है और इनके साथ ट्रेजेडीज न जाने कहाँ से हो जाती है। आप चलते चलते गिर जाएंगे, या कहीं हाथ में चोट तो कहीं पैर में चोट, ये होता रहता है। तो मैंने प्रोग्राम ऐसे शुरू कर दिया कि मैंने डाल तो दिया ही था इसको, और मुझे नहीं मालूम था कितनी देर में आएंगे, लेकिन इस बीच में मेरी बात हो गई है उनसे, एंड वो अपने ही घर के अंदर नहीं घुस पा रहे थे, चाबी बाहर खो गई थी, तो वो ताला वाला तोड़ ताड़ के और अंदर आए हैं। तो नाउ शेल बी इन इन सम टाइम शेल बी ज्वाइनिंग अस। तो मगर इस बीच में मैं आपको थोड़ा सा अपडेट ये दे दूं, और तब जाहिर है कि आप सब अपने सवाल पूछ पाएंगे गुलबुखारी से, कोई कोई मसला नहीं है। लेकिन तब तक मैंने कहा मैं आपको एंटरटेन करता हूँ और आपको थोड़ी सी नई बातें बताता हूँ जो इस बीच में हो चुकी हैं आज के दिन में। वो क्या हुई है कि जनाब, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने आज फोन किया है आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर को। दरअसल कल रात को किया होगा क्योंकि अमेरिका में है वो, तो वो आज खबर उनकी मानी में आई थी, तो फोन करके उन्होंने, जाहिर है कि 9 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है जेनेवा में। ये मीटिंग दरअसल डोनर्स मीटिंग कही जा रही थी, कि पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी आपको याद होगा मानसून में, उसके बाद में इनको पैसे की जरूरत थी, तो इनका ये कहना था कि रफली रोते पीटते करीब 30% 40% ये लोग अपना ऑर्गेनाइज कर पाएंगे दाएं बाएं से, इधर उधर से कर करा के, लेकिन बाकी का जो 50-60% है वो इनको डोनर्स से चाहिए होगा, इंटरनेशनल डोनर्स से। तो उसको लेकर ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन इस बीच में इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि अब ये आईएमएफ वाला जो खेल चल रहा है पाकिस्तान का, ये आपको मालूम ही है। तो हुआ ये है कि इनको हाँ, तो इन्होंने क्या किया है आईएमएफ वालों ने, कि इसका जो नाम था कॉन्फ्रेंस का, 9 तारीख वाली कॉन्फ्रेंस का, जो कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इसका नाम उन्होंने रख दिया है सम क्लाइमेट, सस्टेनेबल क्लाइमेट समथिंग फॉर पाकिस्तान। वो उसकी कुछ किस्म से उन्होंने जुगाड़बाजी कर दी है, मगर जो उसमें से डोनर का लफ्ज था वो निकाल दिया गया है सावधानी से, यानी कि कॉन्फ्रेंस में डोनर का शब्द नहीं है इस वक्त। 9 तारीख को जो मीटिंग हो रही है उस कॉन्फ्रेंस के नाम को बदला दिया गया है, डोनर का लफ्ज उसमें से निकाल दिया गया है। दैट मीन्स कि मामला गड़बड़ है, दैट मीन्स कि उम्मीद कम है ना, कि भाई कोई बहुत डोनर्स की तरफ से कुछ बहुत आने वाला है। तो मगर हाँ, क्लाइमेट के लेकर बात चलेगी, और क्लाइमेट को लेकर पाकिस्तान में क्लाइमेट को लेकर बात चलेगी, और ये सब होगा वहां पे। तो दरअसल जो शहबाज शरीफ ने फोन किया था इनको क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को, उनका नाम क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है जो आईएमएफ की डायरेक्टर है, तो उनसे बात हो गई है उनकी। जाहिर है 9 तारीख को मिलने से पहले एक बार जरा एक रेपो बनानी होती है, वो बना ली है उन्होंने, लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने ना कोई कमिटमेंट की है। हाँ, शहबाज शरीफ ने ये भी उनसे कहा कि उनको रिलैक्सेशन चाहिए होगा ये जो आईएमएफ वाले प्रोग्राम में, तो इनके ये तो आया है कि उन्होंने क्या डिमांड किया है कि भाई हमको ये जो 500 बिलियन का जो एनर्जी सेक्टर से जो हमको कम करना है, सर्कुलर डेट वो ना करना पड़े, तो ये तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कमिटमेंट नहीं दी है। आईएमएफ ने कोई भी कमिटमेंट देने से इनकार किया है, बल्कि यूं कहे कि कुछ कहा ही नहीं है, जवाब ही नहीं दिया है। अच्छा, सेकंड भी ये भी कि आईएमएफ की डायरेक्टर कुछ अकेले तो कर नहीं सकती है, आईएमएफ का बोर्ड बैठता है उसमें, जाहिर है कि और दूसरे मेंबरान हैं, दूसरे मुल्क हैं जो जो डो जो पैसा देते हैं आईएमएफ को, उनके अपने वोट्स हैं, तो वो सारा खेल तमाशा भी है। तो जाहिर है कि इसमें बहुत कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि क्या कुछ इसमें से आ पाएगा। और वैसे भी आप ये देखिए, अभी तो खुद माना ही जा रहा है, कल मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी सऊदी अरब, उसकी अरब कंट्रीज में कुछ इस तरह की, जहां पर ये भी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में इंडियन रुपये में कुछ डीवैल्यू हो आने वाले 3 महीनों में, इस तरह की कोई बातचीत चल रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। I'm sorry. तो ये सारा खेल है जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। 9 तारीख सिर पर खड़ी है, डोनर्स का कुछ हो नहीं रहा है, कॉन्फ्रेंस का नाम बदल दिया गया है, और इस बीच में जो प्रदर्शन चल रहे थे बलूचिस्तान में,
और बलूचिस्तान से, बल्कि मैं एक आवाज भी आपको सुनाना चाहूंगा जो मेरे पास आ जाई है, बहुत जबरदस्त आवाज है बलूचिस्तान की आवाज, प्लस जो यहाँ तक चल रहा है गिलगित बाल्टिस्तान में, उसका तो कहना ही क्या, मैंने खुद आपको सुबह सुनाया ही था। तो एक आवाज जरा सुनिए बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, बहुत बहुत मार्मिक दृश्य है वहां पर। और आज बाय द वे, कल बाजौर का मैंने आपको सीन दिखाया था रात को, रात वाले वीडियो में, कि वो वहां पर कल कितना बड़ा शांति के लिए प्रदर्शन किया गया है। लेकिन उसके अलावा आज फिर केपी में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त, बहुत बड़ा जलसा वहां पर चल रहा है। और आप जानते ही होंगे कि इस तमाम में कहीं वो किसी पॉलिटिकल लीडर को आने नहीं दे रहे हैं। मुझे जस्ट ये देखना पड़ेगा कि वो वीडियो बच्चे, हाँ यार वो दो बच्चियों की बाप को 10 और 12 सालों से अगवा करके अपने टॉर्चर सेल में बंद कर सकती है, तो हम उस हुकूमत पर और क्या उम्मीदें डालें? हम बलूचिस्तान के मुतालिक बात ही ना करें तो सबसे पहले आप हमारे लापता अफराद को ले आएं। बहुत मुश्किल होता है जब वालिद के इश्तियार से 1000 ख्याल जन्म लेते हैं। इस हालात में खुद को संभालना, तसल्ली देना बहुत मुश्किल होता है। हम 12 सालों से करते आ रहे हैं। बलोच के ऊपर या हमारे ऊपर क्यों इतना जुल्म डाला जा रहा है? उन माओं को देखा जाए जो अपने बच्चों के लिए, जो अपने बेटों के लिए, अपनी लख्त जगर के लिए पूरी रात सर्दी में बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। क्या कोई कह सकता है इन तकलीफों के बावजूद उनको इंसाफ दिया जाएगा? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे लोग, हमारे अब्बू, हमारे भाई, हमें वापस कर दिया जाए। मैं तमाम उस बलोच कौम से कहना चाहती हूँ, बलोचिस्तान में 5600 अफराद लापता है, लेकिन जब एहतजाज में निकलते हैं तो सिर्फ 10 फैमिलियां हैं। क्यों आप लोग अपने अब्बू और भाइयों को भूल चुके हो? आप लोगों की जिंदगी, आप लोगों की अयाशियां उनकी तकलीफों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। किसी को परवाह ही नहीं अपने अब्बू का, तो किसी को परवाह ही नहीं अपने बेटे का। मेरे लिए नहीं, सम्मी के लिए नहीं, उन माओं के लिए नहीं, अपने अब्बू और अपनी बाई के लिए निकलो। अगर आज नहीं निकलोगी तो कल तुम्हें ये मुजाहिमत जरूर इख्तियार करना होगा, क्योंकि ये दिन आज आप पर नहीं है। भले ही हम 12 सालों से बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन कल आपको 1 महीने या 1 दिन या 1 साल की बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती हो। तुम्हारा जुर्म यही है कि तुम बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती हो। मैं पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट करती हूँ, इमरान खान, मरियम नवाज, चाहे जो भी है हुकूमत में, लापता अफराद के मसले को संजीदगी से हल किया जाए। जी, जैसा कि आपने देखा, ये थी वो बच्ची जिसके वालिद गायब हैं, और ऐसी ही न जाने कितनी बच्चियां, न जाने ही मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ, जाती तौर पर जानता हूँ, जो जिनके हस्बैंड को फॉर एग्जांपल सीधे हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाकर और आंखें निकाल ली गई जिंदा उनकी, और उठाकर हेलीकॉप्टर से नीचे झील में फेंक दिया गया। पता लगा लाश डूब गई, फिर वो लाश फूलने के बाद कई दिन बाद बाहर आई, और तब घर वालों को यहाँ पता लग रहा है, गांव वालों को पता लग रहा है, और अब डाली भी लाशों को उनका उस गांव में ही, मतलब ये बताने के लिए, ताकि खौफ अच्छी तरह से फैले, उन्हीं गाँव में उसको डाल दिया जाता है। तरह तरह की टेक्निक्स लड़ाते हैं ये लोग, तो क्या कहा जाए, ये दैट्स पाकिस्तान फॉर यू। आई एम सॉरी, आज आपको डिस्टर्बिंग वीडियोस दिखा रहा हूँ मैं इन दिनों से, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। मैं एक्चुअली कुछ चीजें मैंने बचा के रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे वो लाएंगी तो उनसे भी इस बारे में बात करनी है। मुझे बलूचिस्तान के बारे में नहीं, बलूचिस्तान में उनका कोई मतलब के बारे में उनसे क्या बात की जाए, हमारे उनके ख्याल सबको मिलते ही हैं, लेकिन दरअसल मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कुछ पॉलिसी को लेकर। तो देखते हैं कि वो क्या है। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस भी आ गए हैं, तो चूंकि हम इसका वेट कर रहे हैं, मैंने लिंक भेज दिया है गूगल को, वो जैसे ही आएंगी तो तुरंत यही आएंगी, मैं आपको तब तक, अरे बाप रे, 9 क्वेश्चंस मैं आपके ले लेता हूँ। इंडियन एचआर, ओके, जी नरेन भाई, यस शी इज फाइन, शी इज ऑल राइट। मैं एक्चुअली, मेरी कमी है, मैं बिल्कुल, मेरा पारा 7वें आसमान पे चल रहा था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि रियलिटी क्या है और वहां क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो देन शी इज ऑल राइट नाउ, शी इज ऑल राइट। अनिरुद्ध, हाउ लॉन्ग विल
हाउ लॉन्ग सऊदी एंड चाइना विल कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान विदाउट आईएमएफ। मुझे मालूम नहीं अनिरुद्ध भाई आपका सवाल किससे है। तो नरेन मेरा मतलब ये कि चूंकि आपने क्वेश्चन डाल दिया है और मुझे नहीं मालूम कि अगर आपका सवाल गुल से है तो वो आ जाए तब पूछ लूंगा, अगर आपका सवाल मुझसे तो आप मैसेज में बता दीजिएगा, मैं आपके आपका जवाब दे दूंगा। वैसे एक बात बता दूं कि इसकी कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये सब मुफ्त का माल बहुत दिन तक नहीं लिया जा सकता है, और जो जो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत दिन चलने वाली चीजें हैं। नरेन शाह भाई कह रहे हैं आई थिंक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मे हैव बेग रिपोर्ट टू गिव समथिंग सो दैट इट विल नॉट बी एन एम्बेसमेंट फॉर हिम। हाँ बट मुझे नहीं मालूम दोस्त, ये सवाल एम्बेसमेंट का है नहीं, क्योंकि ये सवाल एक तो न सिर्फ इकोनॉमिक सवाल है बल्कि जियोपॉलिटिकल भी है, और बहुत सारे इसमें अभी फंडे आएंगे, आप देखेंगे कि ये सब कोई बड़ा सीधा नहीं होता है। कोई किसी को कितना पसंद करता हो, इमरान खान जैसा हैंडसम घूमता रहा तो उसको क्या मिल गया, आप देखिए ना, वो भी तो आईएमएफ के डायरेक्टर से मिलने गया था, क्या मिला था वो सब। सोनल सोनल कह रही है केपी की पुलिस स्टेशन पर अटैक पर कोई खबर? दोस्त वो हालात बुरे हैं वहां पर, सोनल जो मैंने आपको बताया था वहां पे हालात बुरे थे, और वहां पर अभी भी कोई उसकी खबर नहीं आई है, और वहां फाइटिंग बढ़ी हुई है। इनफैक्ट आज मैं अभी कुछ और भी रिपोर्ट सुन रहा था, माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में तालिबान मेरा होता टीटीपी का जो मसला है, ये टीटीपी का मसला बढ़ने वाला है, ये अब इनके जो अटैक्स हैं वो बढ़ेंगे। कोई उम्मीद ना आप इनसे ना करें कि ये कुछ कम होने वाला है, चाहे ये कोई भी कुछ भी कर लें, ये मतलब एक बात आप मान लीजिए, इनमें से कोई भी अफगानिस्तान जाकर ना वहां पे एयर स्ट्राइक करने जा रहा है ना ये खुद अंदर घुसने वाले हैं, इनको मालूम है कि वहां खतरे क्या है और कैसे हैं। इंडियन एचआर, अरे इंडियन एचआर में मैं तो आपको आज शायद पहली बार आए हैं, आपको स्वागत। पाकिस्तानियों को इनसे हेल्प लेनी होगी इंशाल्लाह। ओसामा लाडन, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सलाउद्दीन सईद, मीर दाऊद गिलानी, अजमल कसाब, आफिया सिद्दीकी, दाऊद इब्राहिम, जैश मोहम्मद, एक जमाने में तो इन सबकी हेल्प उन्होंने ली ही है इंडियन एचआर। आप जरा ये सोचें कि एक वक्त पर ये सबके सब को एक नाम दिया जाता था कि ये हमारे फ्रंट लाइन डिफेंस हैं, इनको जो पाकिस्तानी फौज है वो इनको फ्रंट लाइन डिफेंस कहा करती थी। तो ये भी बताओ कौन सी फौज सबसे घटिया तरीन फौज है। ओके इंडिया चार, सब लोग मिलकर बोलो एपिसेंटर ऑफ एरर इस्लामिक रिपब्लिक। इंडिया चार, हम लोग ना यहाँ एक्चुअली क्या करते हैं इस चैनल पे, हम लोग जनरली ट्रॉलिंग वाली भाषा इस्तेमाल करते नहीं है, हम लोग सीधी सवालों पे बात करते हैं, इश्यूज पे बात करते हैं, हम लोग ट्रॉल्स नहीं है। तो माफ कीजिएगा, मैं बहुत एनकरेज मतलब मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि हम लोग बेसिकली इश्यूज पे बात करते हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं पे बात करते हैं, सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, लेकिन ये ट्रॉल नहीं करते हैं, कोई उससे कुछ निकलता नहीं है ना, या हम मतलब हम आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये हमारा काम नहीं है ट्रॉलिंग। सबका हिसाब होगा इसी जहां पे, यहाँ ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है ये आपकी। ह्यूमन राइट्स वाले बिरयानी खाकर सो रहे हैं। जी, अनिरुद्ध आप वेट कीजिए, अभी बुलाती है तो मैं पूछ लेता हूँ। इंडियन एचआर, सबका हिसाब इस धरती पे होता है, बिल्कुल सही बात है, ये हिंदुस्तान की और इस सबकॉन्टिनेंट की फिलॉसफी है और उस पे हम सबको यकीन है कि सबका हिसाब यही होता है। दोस्त बीएलए टीटीपी वाले अपनी नियर एंड डियर फैमिली मेंबर्स के को टारगेट किलिंग रेप सॉफ्टवेयर अपडेट एनफोर्स डिसअपीयरेंस का ही रिजल्ट है। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें आपकी बात से मुझे कतई कोई गुरेज नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, जो बात आपकी है वो बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो जो एटीट्यूड है ना ट्रॉलिंग वाला, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए इंडियन भाई, क्योंकि हम लोगों को चाहिए ये कि हम कम से कम पढ़े लिखे लोगों की तरह पढ़े लिखे लोगों वाली बात करें, इस अदरवाइज कितने किसी के पास कितना वक्त होता है कि हम ये हुल्लड़बाजी करनी है तो गली के मोड़ पर भी हो सकती है, उसके लिए किसी यूट्यूब चैनल में बैठने की जरूरत है। अच्छा आईएमएफ तो यूएसए का गुलाम है, तो बाइडेन से बात करनी चाहिए। हाँ बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जी वो तैयार हो गई है, आने वाली हैं, तो
ये है कि नहीं, बाइडन बाइडन को भी तो राजी होना चाहिए बात करने के लिए। बाइडन कितनी देर में राजी होगा कौन जाने। व्हाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान इज नॉट टेकन एट हाई लेवल इन यूएन रिलेटिवली। दोस्त ये एक सवाल है, देखिए ना, रिलीजियस फ्रीडम का सवाल वहां उठता रहता है अक्सर। आप पाएंगे सोमनाथ भाई का सवाल मैंने अभी यहाँ अंदर नहीं लिया। हाँ ये है, तो वो ये सवाल उठता रहता है वहां पर, और रिलीजियस फ्रीडम को लेकर आप देखिए अक्सर पाकिस्तान घेरे में रहता ही है। तो अब क्या कहा जाए, मुझे लगता है ये माहौल ऐसा बन रहा है कि धीरे धीरे ये सारी बातें, चाहे माइनॉरिटीज को लेकर है, चाहे जो हम आप पहले खुलकर इतनी बात नहीं करते थे, आज इतना मीडिया, सोशल मीडिया खड़ा हो गया है, दुनिया भर का मीडिया है, लोग चीजें देख रहे हैं, तो जाहिर है लोग आखिर कब तक चुप रहेंगे और कैसे चुप रहेंगे। और फिर किसी के जब इंटरेस्ट ही ना जुड़े हों तो फिर ज्यादा लोग बोलते हैं। अब किसी के कोई इंटरेस्ट तो बचे ही नहीं, ना अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है, ना कहीं और कोई लड़ाई चल रही है, जहाँ कहाँ पर आपको फौज की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान की। तो ये चीजें हैं ऐसी। मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट यही करूंगा दोस्तों कि अपने जो जो आप सवाल पूछेंगे उनको शालीन रखें और उनको थीमेटिकली रखें, है ना, एक थीम पर रखें। जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस की तरह से लें उनको और उसी तरह से पूछें। अभी जब बुलाते हैं तो उनका मैसेज आ गया है, वो आए ही बस पहुंचने हैं। तो डू यू एग्री विद बिलावल दैट आई के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीटीपी राइज? प्रतीक, बड़ा क्रिटिकल सवाल पूछ रहे हो तुम। मैं क्या कहूँ, मैं एक्चुअली इस बात को लेकर कंफ्यूज तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि अगर बिलावल ये बात कहते हैं तो कम से कम बिलावल को बात जमती नहीं। पूछिए क्यों, इसी प्रोग्राम में अभी गोल आ रही है और मैं इसी पर एक्चुअली, मेरे पास एक सवाल है जो मुझे उनसे पूछना है। बिलावल ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है कि जो टीटीपी पाकिस्तान है ये एक फेनोमेना है, सॉरी ये एक रियलिटी है, और जो यानी टीटीए ये रियलिटी है, और टीटीपी जिनसे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही है उसको वो कहते हैं कि ये एक फितना है। तो जो तुम्हारी तरफ को है, जो तुम्हें नुकसान कर रहा है वो फितना हो गया, और जो दुनिया के लिए मुसीबत बने वो रियलिटी है। तो दिस इज हाउ अब क्या कहा जाए दोस्त, मुझे एक वक्त दीजिए क्योंकि मेरे यहाँ पे, यहाँ मैं पहाड़ पर हूँ, अंधेरा हो गया, मैं लाइट जला दूँ वरना फिर आपको बाद में दिखने में मुश्किल होगी। यो जी लीजिए बहाजिर। तो ये है सिलसिला। सॉरी, व्यक्तिगत ये जिंदगी में थोड़ी सी चीजें इस तरह की रहती हैं। तो अब लाइट शाम हो गई है यहाँ पहाड़ पर, तो एकदम लाइट जाती है। तो ये है प्रतीक आपके सवाल का जवाब। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत ना आ रही हो। हमारी गुल को जी नहीं, गुल ऑनलाइन है, बस आने वाली है इसका मतलब। तो ओके सोमनाथ भाई, सन मोरमोकोरी। अरे ये एक सन, ये अच्छा कर सबको बोलना होगा, आईएसपीआर ऑफिशियल्स प्रोपेगेंडा बदला लेना होगा, पढ़े लिखे लोगों को जाहिलों से लड़ना होगा, लाइक डॉक्टर जयशंकर इज डूइंग इंटरनेशनल ट्रॉल इवन वन इंटरनेशनल। देखो मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि आप डॉक्टर जयशंकर की भी इंसल्ट कर रहे हैं ये कह के कि वो ट्रॉल कर रहे हैं। वो किसी को ट्रॉल नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को फैक्ट्स पर काउंटर कर रहे हैं, जहां पर उनको ये नजर आता है कि कोई सही एटीट्यूड से चीजों को नहीं देख रहा है, सही एंगल से नहीं दे रहा है, तो वो उसको सही एंगल दिखाते हैं। उन्होंने ट्रॉलिंग कभी करी किसी नहीं की। मैं नहीं समझता कि मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर के बारे में इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। तो सर वो मरकरी, सोमनाथ भाई कह रहे हैं नेटो पेपर ऑन रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडियन सेक्शन बाय टर्की एंड टर्की आर्म फाउंड इन कश्मीर सीरियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट इन। ये पाकिस्तान और टर्की वाला जो कनेक्शन है ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में उठेगा। और क्यों कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, वो मैंने आपको आज सुबह बताया ही था, आज सुबह वाले व्लॉग में। सोमनाथ भाई आपसे थे नहीं, सुबह जो मैंने प्रोग्राम किया है मैंने बताया कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, मुझे मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन प्रिसाइज आई है कि जो कश्मीर में हो रहा है उसके पीछे जो रीजन है, जो अचानक पाकिस्तान की पॉलिसी बदली है वहां पर और नए आर्मी चीफ के आने के बाद जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बताया है मैंने आज सुबह के ब्लॉग में। तो मिंट, यूएन इज स्लोली डाइंग इफ 3 to 7 कंट्रीज पुल आउट फाइनेंशियल सपोर्ट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है मिंट, आई आई एग्री। यूएन इज जस्ट अ क्लब नाउ, राइट? क्या चाइना का बलूचिस्तान केपीके में सीपी से
काम स्टार्ट है? बिल्कुल नहीं सुना, कोई काम नहीं हो रहा है। और इनफैक्ट बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस समय, खासकर जो गवादर पर चल रहे हैं, वो इसी तरह के हैं, इसी बात को लेकर हैं कि जो ग्वादर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो चाइनीज, क्योंकि मेजोरिटी जो जमीन है वो ये सीपीईसी में जा रही है, जो लोकल्स हैं उनके लिए जगह नहीं बच रही है इन द सेंस। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो वहां खड़ी हुई है, आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं कि भाई ये बन रही है, फला प्रोजेक्ट लग रहा है, लेकिन जो चीज एक्चुअली वहां जिसकी रियल कमी है वो है पीने के पानी की। जो कॉमन आदमी है, जो ड्रिंकिंग, उसके पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और आप उसको बिल्डिंग बना के दे दीजिए, वो क्या करेगा? तो ओके, ये कुछ आया हमारे इंडियन भाई, काइंडली बुरा ना मानिएगा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि मैं कैसे सोचता हूँ। मुझे अपने डॉक्टर जयशंकर बहुत प्यारे लगते हैं, मैं उनकी एक एक चीज को देखता हूँ और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये भी लगता है कि हमको दरअसल इंटरनेशनल एरिना में क्या अप्रोच लेनी चाहिए, ये समथिंग हमें उनसे सीखने की जरूरत है। मगर वो ट्रॉल कहना उनको जो है, मुझे लगता है ज्यादती है उनके साथ में, उनकी तमाम क्वालिफिकेशन तमाम एक्सपीरियंस के लिए जाती है। तो काइंडली इससे बचा जाए तो बेहतर होगा। थैंक यू। हेल्प फायर विल पोलिटिकल पार्टीज विल पोलिटिकल पार्टीज विलिंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट टीटीपी एज दे गिव डायरेक्ट थ्रेट टू पीडीएम। हाँ, ये एक बात है। देखो हेल्प फायर, ये आपने सही सवाल पूछा है। उन्होंने पीपीपी और को और खासकर पीपीपी और पीएमएल इनके लीडर्स को धमकी दी है, बाकायदा एक लेटर लिख के धमकी दी है कि भाई वो चूंकि हमारे खिलाफ, हम लोग ही बात कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ जाएंगे। देखते हैं क्या होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये सिक्योरिटी के इश्यूज तो आएंगे, बट लेट अस सी। अभी बहुत सारी चीजें, जिस दिन उन्होंने धमकी दी है उसके अगले दिन, जो मैंने आज सवेरे आपको इंडिकेशन दिया था, राणा सनाउल्लाह ने इमीडिएटली स्टेटमेंट बदली और ये कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जबकि एक दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कह रहे थे कि हम बात ही नहीं करेंगे टीटीपी से, हम तो उनको मारेंगे, आयरन हैंड से डील करेंगे। तो नरेंद्र शास कह रहे हैं, बिट पर्सनल क्वेश्चन, आई सॉ यू स्विचिंग स्पेक्स एंड मेंटेनिंग टू स्पेक्स, इज इट फॉर डिस्टेंस? एंड जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, रीडिंग के लिए मुझे डिफरेंट क्लासेस चाहिए होते हैं। एवरी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी हैज गरम दल तहरीक इंसाफ हैज तहरीक तालिबान, पीपीपी हैज लियारी बलोच गैंग, पीएमएल टू हैज, यार मैं क्या हूं, तुम बात तो गहरी कह रहे हो कि इस तरह की चीजें हैं तो सही पाकिस्तानी उसमें, और ये कहना गलत होगा कि ये कहा जाए कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। यू एब्सोल्युटली राइट, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। तो प्रतीक भाई, आर यू सरप्राइज बाय पाकिस्तान इंक्रीज इन एक्शन इन जम्मू कश्मीर न्यू आर्मी चीफ? नॉट रियली, आई मीन किसी बात से सरप्राइज होना तो हमें चाहिए ही नहीं जब पाकिस्तान से हो, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है प्रतीक कि मुझे लॉजिकल नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि देखो, मैं और आप जब बात करते हैं, सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपना गुणा भाग एक लॉजिक पर ही लगा सकते हैं ना। मगर अगर सामने वाला पागली हो तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते ना। आप कोई आदमी इलॉजिकल, मैड आदमी कैसा होता है, वो इलॉजिकल बिहेवियर करता है ना उस, तो फिर आप किसी पागल के बिहेवियर को कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना, आप सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए, पर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इंडियन एचआर पीटीआई का गरम दल ही टीटीपी, आई के इज टेकिंग रिवेंज विद फौज एंड बस। देखो यार मेरी बात सुनो यार, मैं ये मान लेता हूँ कि टीटीपी, इमरान खान की सिंपथीज जो है वो हमेशा तालिबान से रही है, चाहे टीटीपी की बात हो चाहे टीटीए की बात हो, मगर ये कहना कि वो फौज से बदला ले रहा है, आई मीन काय को बॉस, वो आज भी भीख मांग रहा है कि मुझे लाके बिठा दो, सिर के बल खड़ा हुआ है वो सारी जिंदगी के लिए बाजवे को आर्मी चीफ बनाने के लिए ऑफर कर चुका था। आप कैसी बातें कर रहे हो, कैसा फायदा कैसा बच, सब अपनी अपनी जेब का मसला है और कुछ नहीं, अपनी अपनी जेब बनाना चाह रहे हैं सबके सब, नथिंग डूइंग। पॉलिटिकल फक पाकिस्तानी फौज है सलवार कमीज, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इंडियन एचआर की, यार ये ना, आई मीन काइंडली, इफ अगर आप ट्रॉल्स वाली बात करोगे मैं आपके सवाल लेना बंद कर दूंगा, यही हो सकता है, बट काइंडली डोंट डू दिस। आई मीन आप अपने नाम के इंडियन लिख रहे हैं, आई रिस्पेक्ट दैट, आप मेरे फेलो सिटीजन हैं, काइंडली डोंट डू दिस। जस्ट अ सजेशन, ट्राई प्रोग्रेसिव लेंस, इट्स न्यू टेक एंड नो नीड टू मेंशन। ऑलराइट,
आई डू दैट राइट, नेक्स्ट टाइम आई गो टू माय डॉक्टर आई विल आस्क अबाउट इट, कोई इशू नहीं. तो जी नहीं भाई, तो ऑल राइट. अरे यार आप लोग 14 लोग हो गए, मैं जरा इसको पूछूं मेरी कहाँ गई. ऑल राइट, सो या सो एनी अदर क्वेश्चन यू कुड आस्क, और अदरवाइज आई विल चेक व्हाट आई कैन शो यू. बैंड लेट मी जस्ट सी. हाँ दोस्तों, मुझे आपको दिखाना था. चलिए मैं आपको एक मजाक दिखाता हूँ. लीजिए, अभी क्या हुआ कि आप जानते हैं उसको, औलिया मकबूल जान को, शायद आप जानते हो. पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा कार्टून है और रिलीजियस कार्टून है. ये फिर एक कोई क्वेश्चन आ गया है दोस्त. नरेन बैगन सर. अरे वो बड़ा आसान है. ये आपको याद है अपने यहाँ पे जो पुराने जमाने के जो बल्ब होते थे, व्हाइट वाले, जिनमें आपको फिलामेंट नजर आता था येलो कलर का जलता हुआ, जिस समय जैसे आज से कोई 15 साल पहले करीब, जब वो ये एलईडी बल्ब्स नहीं आए थे, इस तरह के बल्ब्स नहीं आए थे, और पुराने जमाने वाले जो बल्ब हुआ करते थे जब हम लोग बच्चे थे, ये उन बल्ब्स की बात हो रही है, क्योंकि वो वोल्टेज ज्यादा लेते हैं, बिजली ज्यादा खाते हैं, और पुराने जमाने वाले जो फैंस हैं उनकी बात हो रही है कि जो जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं उनको रोकने की बात हो रही है, कि भाई जो मॉडर्न फैंस और बल्ब जो है उनको यूज किया जाए ताकि ये ले पाए, इनको कम बिजली लें, है ना. देखिए हमारी कुल अभी शायद कुछ करनी है. हाँ तो ये लिंक मैंने उनको भेज दिया है, अब वो आ जाएंगी, आ गई हैं वो. तो लीजिए लिंक भेज दिया मैंने उनको. तो व्हाट इज दिस टॉपिक, हाँ तो ये है वो किस्सा. सो आई जस्ट होप दैट शी कम्स सून नाउ, एंड उसके बाद में हम अपनी बात बात शुरू करेंगे. तो मैं कहाँ से इनसे बात शुरू करूँ. हाँ मुझे बैंड से बात शुरू करनी थी. ये लीजिए, तो पहले तो वो आती है तो मैं आपको सुनाता हूँ. एक औलिया मकबूल जान के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वो पाकिस्तानी राजनीति के बहुत बड़े जोकर हैं, बहुत धार्मिक किस्म की बातें किया करते हैं, प्राइम टाइम शो में बैठकर. और तो उनको मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर गुल आ जाए तो उसके साथ ही चलाऊं तो वो मजा आएगा. बड़ा मजेदार वीडियो है उनका एक, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उनके दो स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें वो बताते हैं कि बाजवा जब वो आर्मी चीफ बने हुए थे ना, तो उस समय का इंसिडेंट बताता है. कोई चमचागिरी करनी है फौज में जो बैठा हुआ हो, तो आर्मी चीफ जब ये बाजवा बन चुके थे उस समय, वो किस्सा सुनाते हैं कि साहब फला फला जगह पर फला आदमी ने जाकर फला आदमी को बताया था कि मेरे मुझे सपने में रसूल आए हैं, मोहम्मद आए हैं, क्या है, और वो उन्होंने मुझे फला आदमी से मिलवाया कि ये वो आदमी है जो पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या करेगा. तो बताया गया कि भाई डॉक्यूमेंट दिया उन्होंने, तो पता लगा कि वो कौन है आदमी, तो पता लगा कि वो जो खर्रा आया है वहां से, अल्लाह मियाँ के यहाँ से, वो बाजवा के नाम पर आया है. तो फिर ढूंढा गया कि पूरी फौज में कितने बाजवा हैं, तो 4 बाजवा निकले. फिर पूछा गया कि भाई तुमने सपने में जिस बाजवा को देखा था उसको पहचान लोगे, बोले हाँ. तो फिर मिलवाया गया तो वो ये वाले बाजवा निकले, तो ये 4 नंबर पे थे सीनियरिटी में. तो ये हंसने लगे कि मेरा तो नंबर आ ही नहीं सकता है. और फिर उनको पता लगा किसी ने खूब सूढ़ा पकड़ के फौजियों ने, फौजियों ने, और जब वो सूढ़ा तो पता लगा वो भाग गया बेचारा दुबई पाकिस्तान छोड़ के, और उसके 3 साल बाद बाजवा साहब बने. तो उनका मतलब ये था कि अल्लाह मियाँ की देन है, वो साबित ये करना चाह रहे थे. और फिर जब अभी ये जब बाजवा हट गया, चला गया यहाँ से, तो ये फिर से किसी ने एक टीवी शो में उनसे ये सवाल पूछा कि भाई वो क्या था. तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो कुफर हो गया था एक तरह का, क्योंकि वो जो कागज लिया गया था, जो डॉक्यूमेंट, वो बाएं हाथ से लिया गया था, इसलिए सब गड़बड़ हो गई. अब तुम सोचो जरा कि मतलब वो बाएं हाथ का लेकर अपशगुन हो गया, उसके बाद भी भाई 6 साल तक इनको रगड़ता रहा बैठ के, और आगे भी रगड़ने के चक्कर में था. तो आई हैव हाँ, तो मुझे नहीं पता कि आखिर इतनी देर जो है वो 6 साल तक कैसे बैठा रहा इस अपशगुन के बावजूद. शी इज ओपनिंग लैपटॉप, उनका मैसेज आ रहा है कि वो लैपटॉप खोल रही. तो
ये सिलसिले हैं दोस्त। मैं दो सवाल और ले लेता हूँ आए हुए अपने दोस्तों के, जब तक गुल आ रही हैं। अरे यार आ जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ ये रहा। ओके बॉबी आ गए हैं। बॉबी अल्हम्दुलिल्लाह, आसिम मुनीर इज द न्यू चीफ। यार ये तुमने कल भी किया था कमेटी वाला। ठीक कह रहा हूँ बॉबी। नरेन आप कह रहे हैं आई हर्ड दैट पाकिस्तान मर्चेंट शॉपकीपर्स डिनाइड। जी, नरेन भाई आपने सुबह का व्लॉग नहीं देखा? मैंने सवेरे यही आपको बताया था कि ये हुआ है और उन्होंने सबने ये बात मना कर दी है। और तो बेसिकली व्यापारी मंडल जितने हैं उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। हम लोग गुल बुखारी को ले रहे हैं। हे चीफ आ जाओ हेलो। कांग्रेस आ जाओ। ओबा गुल वी आर लाइव, आर वी ओके। आर वी लाइव, वी आर लाइव। हाँ सो पीपल आर वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, सो आई थॉट यू नो आई जस्ट कीप एंटरटेनिंग लेट मी देम। अपोलोजाइज टू योर ऑडियंस। दैट्स ओके। मैंने उनको लॉन्ग बताया कि जिस तरह मैंने कहा जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक्सीडेंट होते रहते हैं, कुछ पता नहीं लगता कब क्या हो जाता है, ऐसे ही गुल के साथ हो जाता है। हाँ तो टाइम। जी गुल, मैं फिलहाल के लिए कमेंट्स बंद करता हूँ और अपन शुरू करते हैं शो यहाँ से। कि गुल ये बताओ, हालांकि मुझे मालूम है कि पीछे आप जिस तरह से बिजी रहे हो, तो यू नो आप बीच में थोड़ा कहीं गैप भी आया था आपकी उसमें, लेकिन यार ये एक स्टेटमेंट है जो हमारे बिलावल ने पीछे दी है, और इस लाइट में चूंकि हम उस पर बात करेंगे भी, जब मैं हमने चाह रहा हूँ देखा कि जो काबुल में जो सब कुछ हुआ, और टीटीए एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका अपना तारीख है, अपना मुल्क में एक तारीख है उनका, आप पसंद करे या ना करे। तरीके तालिबान अफगानिस्तान एक हकीकत है, तरीके तालिबान पाकिस्तान एक फितना है जिसका हमने मुकाबला करके शिकस्त उसका करवा दिया था। और जो उनका कैदी इधर थे वो भी रहा, जो उनका कैदी अफगानिस्तान में थे वो वहां से रहा हुआ, तो आपने कहा आए इधर पाकिस्तान में रहे, हम आपका मेजबानी करेंगे। गुल ये क्या है? ये जो एक तालिबान वो है फितना है, तो एक तालिबान रियलिटी है। हाउ टू गो, हाउ टू थिंक, हाउ टू टेक दिस? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। एक ही चीज है, एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही बिल्कुल एम है, एक ही टारगेट्स हैं, तरीके भी वही हैं। यू नो वे ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स, देयर इज नो डिफरेंस। एंड आई थिंक इट्स एन इनडिफेंसिबल स्टेटमेंट। एंड बिलावल इज नॉट एक अच्छी खासी प्रोग्रेसिव पार्टी का लीडर है। बिल्कुल उसका ये जो स्टेटमेंट है, ये मेरा ख्याल है आई थिंक इट्स एन अटेम्प्ट टू डिफेंड द पोजिशन ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज स्टेट का मौकफ यही है ना, राइट? तो बिल्कुल बिल्कुल उसके अलावा डिफेंसिबल पोजीशन तो ये नहीं है। व्हाट वी डू नॉट विश ऑन आवर सेल्व्स, हाउ कैन वी विश इट ऑन आवर नेबर्स? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दैट इज सो बिल्कुल। सो एक फिट वन साइड ऑफ द कॉइन इज अ फितना एंड द अदर साइड इज अ रियलिटी। सॉरी यार, ऐसे नहीं होता। एंड आई टू बी ऑनेस्ट, यू नो ही नीड्स टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, नोबडी एल्स शुड बी आस्क्ड अबाउट इट, बिकॉज या आई मीन आई आई डोंट थिंक एग्री यू विद यू, फाइंड पीपल हु आर गोइंग टू डिफेंड दिस। या आई मीन आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस, ऑल्दो आई हैव यू नो सम आई सॉ डिफेंडिंग इट, बट इट्स रियली आई मीन आई कुड नॉट फैदम इट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू नो हाउ हाउ समबडी कुड एक्चुअली, अच्छा सॉरी
सो हु हैज डिफेंडेड इट? अरे यार गूगल, कुछ लोग हैं ना जो पीपीपी अमेरिका और पीपीपी यूके हेड कर रहे हैं, तो वो उनके उनके जरा उनके लॉयल्टीज कुछ हमारे और तुमसे ज्यादा होती हैं। वो तो उनका प्रॉब्लम तो फिर ये है ना, दैट देर मेंबर्स ऑफ अ पार्टी एंड देर ट्राइंग टू क्लीन अप द पार्टी द लीडर हैज डन, राइट? हाँ, बट गुल, हाउ डू यू सी इट गोइंग फॉरवर्ड, इन द सेंस दैट जिस तरह से लोगों ने, टीटीपी वालों ने जो इस समय हाहाकार मचाया हुआ है, इस समय केपी में फॉर एग्जांपल कल रात से कुछ पुलिस स्टेशन पे अभी तक फायरिंग चल रही है, लोग मारे गए हैं, वो भी खबर आ रही है, और उसके बाद में जिस किस्म से इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को धमकाना शुरू कर दिया है, अब तो इन्होंने पीपीपी और पीएमएलएन को धमकाना शुरू कर दिया है कि भैया हम आप लोगों को मारेंगे। हाउ मुझे जहां लगता है कि डर भी लगता है कि इस तरह के खतरे हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि भाई मतलब इन लोगों से बात कैसे की जाए। आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कहते हैं कि हम इनसे आयरन हैंड से डील करेंगे, और फिर जैसे ही उनका लेटर मिलता है कि हम पीपीपी और पीएमएलएन के लोगों को मारेंगे, तो आप कहते हैं कि हम बात करने के तैयार हैं, वो राणा सनाउल्ला कहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप एक एक दिन में अगर पॉलिसी बदल रहे हैं, तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? I don't think the policy is bedeviling or changing. ओके I think it's probably, I would, I mean, I'm assuming that it's trying to buy time. This is not going to go away. And operation hoga, hona padega. Aur wo agar मेन स्ट्रीम पार्टीज को धमकियां दे रहे हैं, तो वो मेन स्ट्रीम ने अपने लिए टाइम बाय किया ना कि हमें ना मारो अभी, एक मिनट, आई डोंट थिंक एनीबडी इज चेंजिंग द पॉलिसी। आई थिंक इन फैक्ट दैट देर इज नो ऑप्शन बट टू कैरी आउट एन ऑपरेशन नाउ, देर इजंट एनी ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट। वो सारी बातें चीतें करके देख ली है ना, क्या बना बात? आप अनरीजनेबल्स के साथ बात कर भी नहीं सकते ना, क्या बात बोले? टोटली एग्री, बिल्कुल आई एग्री, बिकॉज मुझे सीरियसली लगता ये है कि भाई जब टीटीपी बात करने के लिए आती है, तो वो सिर्फ उनकी एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है कि हमको पूरे पाकिस्तान में, केपी में, फाटा में हमको शरिया लागू करना है। इस पॉइंट के अलावा वो और कौन सी बात करते हैं, और सारी मुसीबत उसी के अंदर पड़ी हुई है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए वो राजी नहीं होते, तो अगर कल को मान लीजिए कि वो इसी पॉइंट बातचीत का कोई मुद्दा है, मुझे तो नजर नहीं आता कि भाई व्हाट आर दे गोइंग टू टॉक अबाउट, बट अगर अभी भी ये कोई बातचीत की बात करते हैं तो, और या चलिए मैं हम बातचीत की बात छोड़ो, अगर कहीं वो मान लीजिए अटैक भी करते हैं, आप ऑपरेशन करते हैं टीटीपी के खिलाफ, व्हाट अबाउट इट गुल की व्हाट काइंड ऑफ बैकलैश कैन कम इन? जैसा होता था, यू रिमेम्बर व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री, दे मे चेंज देयर टैक। ओके, सो देयर इज What is different now from the early or late 2000s and early 2010 वगैरह का जो टाइम था जब टेररिज्म वॉज एट इट्स पीक, आफ्टर टीटीपी फॉर्मड इन 2000, आई थिंक व्हेन डिड इट फॉर्म? इट फॉर्मड आफ्टर 2007, राइट? तो दे वर इनडिस्क्रिमिनेट इन देयर अटैक्स। ये जो इनका करंट अमीर है टीटीपी का, he formulated a strategy and he said that hamari popularity badi kharab hui thi because we were attacking civilians, so we're going to change tack, we're going to now attack only people like forces, security personnel, ha theek hai na, chahe wo police ho, chahe army ho, chahe fc ho, and we're going to attack representatives of the state, whether they are government officials or judges or anybody. We are going to avoid attacking the civilians. Right? So jo blowback hai, ab blowback mein wo apni policy change karte hain ki nahi karte, soft belly ko hit karte hain ki nahi karte, that we don't know. Because as you have seen, they are focusing on attacking security personnel, right? Absolutely. Instead Bilkul. of
हाँ, नॉट द सिविलियंस, बाजार, मस्जिद, मॉस्क वगैरह, स्कूल्स, दे स्पेयर्ड दैट सो फार. सो इफ देयर इज एन ऑपरेशन, आई डोंट नो वेदर वेदर देन दे विल ऑल्सो चेंज टैक और नॉट, बट ब्लो बैक तो होगा. और ब्लो बैक की बात यह, देखो महेश, आई डोंट थिंक वी गॉट अ चॉइस. दे हैव ब्रॉट द वॉर टू अस. इट्स नॉट के जी वो चुप बैठे हुए हैं एंड यू नो वी आर गोइंग टू डू एन ऑपरेशन एंड देन दे विल बी अ ब्लो बैक. सो द पॉइंट इज दैट दे आर गोइंग टू कीप अटैकिंग नो मैटर वॉट, एंड दे आर डूइंग. दैट इज वॉट इज going to bring about the operation ना in response. इन्होंने बातचीत करके तो बहुत देख लिया, अफगान तालिबान को बहुत बोला, इनको बोला, इनसे बात किया, वो सारा फैज हमीद वाला जो चक्कर था कि इनको ले आओ और इनको बसा लो और इनको ये कर दो, वो आ गए, बस गए, बता रहे हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ आई थिंक ऑपरेशन इज नॉट अ चॉइस. बट द क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन. यू नो जो प्रीवियस ऑपरेशंस हुए थे वो बहुत, उसमें आम लोगों का बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत बहुत ज्यादा. आपने उनको बेघर किया और वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल हैव स्टिल नॉट गॉन बैक. सो दैट काइंड ऑफ ऑपरेशन आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी इवन पॉपुलर. इट नॉट सो. हैज टू बी वेरी टारगेटेड, इट हैज टू बी इंटेल बेस्ड. यू कांट गो. और अब बात यह कि कोई एक जगह नहीं है जहां पे वो है. नाउ दे फैंड आउट, सो यू कांट या डू दैट काइंड ऑफ ऑपरेशन आइदर. एब्सोल्युटली बिल्कुल. मुझे याद है उस समय जब ऑपरेशन हुआ था तो बेसिकली F-16 वगैरह यूज हुए थे. अब बेसिकली अगर आप देखिए तो एक ऐसी पॉपुलेशन जिसको आप मार रहे हैं, अगर वो ऑन फुट लड़ रही टेररिस्ट. है तो उसको आप, हाँ, तो मतलब वो कुछ मतलब नहीं था कि F-16 से आप क्या मार रहे थे. बाय द वे, अगर आप टैक्टिक्स की भी बात कीजिए गुल, तो उस वक्त मुझे ये भी लगता है कि बड़ा स्ट्रेंज ये था ना कि अगर आपको उस वक्त की खबरें याद हो तो खबरें आती थी कि आज 300 मार दिए, कल 400 मार दिए, इस तरह की सीधी सीधी खबरें आती थी. कभी कोई लाशें नहीं मिली, कभी कोई खबरें नहीं मिली, कभी कोई कुछ नहीं मिला. तो बेसिकली ये भी क्वेश्चनेबल है ना कि मतलब उस ऑपरेशन की बेसिक नेचर क्या थी एक्चुअली, यू नो वेदर इट वाज डन इन राइट अर्नेस्ट और नॉट. क्योंकि मुझे सीरियसली, आई मीन पर्सनली स्पीकिंग, मुझे सीरियसली ये लगता है कि दरअसल लोगों को उन जगहों से उजाड़ा तो गया, हटाया गया, पीछे किया गया, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुए थे. और यही रीजन है कि जैसे ही वक्त गुजरा तो वो फिर वापस आ गए अपनी जगहों पर. और आप देखिए ना, साउथ वजीरिस्तान वगैरह का जो इलाका था जो खाली करवाया गया था, अल्टीमेटली उन लोगों का क्या बना? वो आज भी घूम रहे हैं बेचारे, और वो ब्रीडिंग ग्राउंड है टीटीपी का. Yeah, that's तो the thing. The question is, what sort of operation? Where? They really like not concentrated in one area. This is going बिल्कुल. to be a very difficult one. This is going to be very difficult. हाँ, और ये भी कि टीटीपी के लोग इस समय रिलेटिव्स और उनके बन आप गए बताना हैं. कि डिटेल क्या है जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में बात हो रही है या डिस्कस हो रहा है या डिसाइड हो रहा है. डिटेल तो बाहर नहीं आ रही ना. वी डोंट नो बिल्कुल. अबाउट और जो आ रही है वो कंफ्यूजिंग है. बिल्कुल बिल्कुल, जो आ रही है वो कंफ्यूजिंग है कि कभी एक बात कभी कोई और बात. तो आई हैव नो आइडिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. और इसीलिए जो आपसे सवाल पूछा था, मैंने इसीलिए पूछा था कि भाई एक तरफ वो फितना बता रहे हैं, फिर वो उसको रियलिटी बता रहे हैं, फिर वो यू नो ऑपरेशन की बात भी कर रहे हैं. इट्स काइंड ऑफ अ यू नो इट्स अ क्वैगमायर. आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि दरअसल पॉलिसी है क्या, करना क्या है. और फिर गुल, बट चलो ये तो हम मान लेते हैं कि यू नो ऑपरेशन तो होना ही है, शायद और कोई चारा नहीं है. सो हाउ डू यू लुक गुल, इज द होल थिंग, जिस किस्म का मैस इस समय खड़ा हुआ है फाइनेंशियल, हाउ इज इट गोइंग टू बी टैकल्ड? आई मीन हाउ विल दे टैकल इट? बिकॉज आज मैंने देखा है कि IMF के MD से उन्होंने बात की है, शहबाज शरीफ ने, और उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप ये जो आपने शर्तें लगाई हैं थोड़ा इनको लूजन आउट कीजिए. तो जाहिर है दूसरी साइड से भी कोई कमेंट नहीं आया है, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया है. और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 9 तारीख की, इसमें से उन्होंने क्या है वो डोनर वाला लफ्ज निकाल दिया है, तो दैट हैज बिन रिमूव्ड. सो अब वो क्लाइमेट को लेकर कर रहे हैं. तो आई डोंट नो हाउ डू यू लुक एट इट, दिस ड्रास्टिक सिचुएशन विच द कंट्री इज फेसिंग? I think the conditions will basically have to be met, and the mistake has already been made of pushing it out. I don't know what they were thinking कि हम इतना डिले करके, और इनका ख्याल था कि वो मान जाएंगे. नहीं माने ना. राइट
So conditions will have to be met. It's as simple as that. उस केस में बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विद यू. उसके वो शायद पहले दिन कर लेना चाहिए था बिकॉज उसके अलावा कुछ चारा था नहीं. बट इन दैट केस गुल, ये जो डिले हुआ, डिले के बीच में जो प्रोसेसेस चले तरह तरह के, और ये हुआ कि वो बड़ी अजीब अजीब किस्म की बातें सुनने को मिलती रही कि भाई सब छोड़ दो, दार साहब पे, दार साहब संभाल लेंगे, उनसे सवाल मत करो कि कैसे करेंगे, बट ही विल मैनेज. तो वो हाउ डू यू लुक दिस, ये जो पिछले दो दिनों में हुआ है, मिफ्ता दार. मैंने मिफ्ता वर्सेस डार जो भी हुआ है वो मैंने मिस कर दिया है. एज यू नो आई बीन अ लिटिल बिट आउट ऑफ टच, बट आई थिंक एवरीथिंग दैट मिफ्ता वाज डूइंग वाज फाइन. आई मीन इन द शॉर्ट टर्म ही वाज गिविंग द पेन, पेनफुल डिसीजंस ले रहा था जो लेनी है आपने. अब अगर किसी का ये ख्याल था कि आप ये डिसीजंस लिए बगैर यू आर गोइंग टू गेट अवे विद इट, दे वर रॉन्ग. बिकॉज़ एक जमाना था व्हेन पाकिस्तान यूज्ड टू बी एबल टू गेट अवे विद इट. ना किसी आप स्ट्रेटेजिक वॉर में अमेरिका के साथ होते थे, मतलब इवन प्रेसलर अमेंडमेंट लगाकर, आप पे सैंक्शंस लगाकर अमरीका हाथ मार देता था कि चले जाओ ऐसे ही था ना. बट देन यू हैड सम लेवरेज एट दैट पॉइंट इन टाइम. आई थिंक व्हाट दीस पीपल मिसरेड इज, आई डोंट नो, एंड आई डोंट नो व्हाई दे मिसरेड इट, बिकॉज अमेरिका हैज लेफ्ट द रीजन. इट हैज बीन एट पेन्स टू से दैट you do not have the same strategic importance for us anymore. But I think somewhere someone was betting that yes, we do have some importance. And I think it was most likely ye socha hoga ke America ko jo bases humne deni hai, that's going to be our leverage. Yeah. तो अमेरिका आईएमएफ को फिर आंख मारेगा और हमें कंडीशनलिटीज, जो भी कंडीशंस हम नहीं मीट करेंगे, तो वो हमें एक लीवे मिल जाएगा बिकॉज ऑफ मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ द बेसिस दैट वी आर प्रोवाइड. सो आई डोंट नो कि उस फ्रंट पे क्या हो रहा है. आई रियली डोंट नो बिकॉज और कोई मुझे नजर नहीं आ रही कि किस चीज के ऊपर. मतलब अब वॉर ऑन टेरर खत्म हो गई है, जिहाद खत्म हो गया है, तो फिर आप किस चीज को लीवर करेंगे ना. सही. तो, कुछ तो उनके जहन में होगा, वरना तो ये पागल पना है कि आप बैठे हुए हैं और रुपए की कीमत गिरती जा रही है, आपके रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, एंड यू आर नॉट मीटिंग द कंडीशंस. इट लुक्स लाइक मैडनेस. सो दे समथिंग दे हैड इन द माइंड्स, राइट. If that works out, it works out. Yeah. If you see that IMF backs off and loosens the conditions, that means we have been able to convince them. Convince ऐसे ही तो नहीं, मुफ्त में तो नहीं ना. तो फिर आपने कुछ किया है ना उनके लिए, फिर कुछ किया. बिल्कुल. और अगर आप ये देखेंगे कि बिल्कुल भी कोई वो नहीं दे रहे आपको, क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन या कुछ नहीं, अगर इसका मतलब है कि आप वो डील नहीं कर सके जो आपके ख्याल में आपने करनी थी, राइट. सही, बिल्कुल. इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक, राइट. सो अभी तक तो नहीं हुआ. सो दे मस्ट हैव हैड समथिंग अप देयर स्लीव्स व्हिच दे थिंक इन रिटर्न फॉर व्हिच द कंडीशंस विल बी रिलैक्स्ड. Relaxed, हाँ, जो कि हो नहीं रहा है. मुझे सीरियसली नहीं लगता है गुल की, could it be possible कि basically Americans, as you rightly said, you know, basis का issue, ये तो है ही, कि Americans might be looking for something here. They do want to have a foothold here. तो कि they might be trying to do, you know, keep an eye on Iran or something, and for which they want to utilize Pakistan. I mean, that's the only thing that comes to my mind. Otherwise, so I see nothing. And other than keeping a foothold in Pakistan itself could be one of the reasons. I mean, otherwise, तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों आएंगे यहाँ पे, क्यों इतना अचानक ऑफर्स कर रहे हैं कि भाई TTP के खिलाफ भी हम हेल्प करेंगे एंड ऑल दैट. अचानक इतना प्यार उनको क्यों जाग रहा है.
हाँ तो देर इज समथिंग हैपनिंग इन द बैकड्रॉप ना यार, बिल्कुल. राइट? हाँ, एंड व्हाट कुड इट बी व्हिच इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग. मे बी वी फिगर दैट आउट बाय द टाइम वी डू आवर नेक्स्ट शो. no, but that is something you have to keep doing. तो ये है गुल, मुझे लगता है कि मैं आज आपको बहुत ज्यादा देर तक नहीं होल्ड करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक कुछ कुछ क्वेश्चन आए. मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई इसमें आपके लिए ना हो. हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए आया था आपके आने से पहले. देर इज अ जेंटलमैन अनिरुद्ध हु वाज आस्किंग कि भाई विदाउट आई कैन इज इट पॉसिबल कि विदाउट IMF सऊदी अरेबिया और कतर वगैरह जो है वो बेल आउट करते रहेंगे, ऐसा कुछ है, विल दे, है लग तो नहीं रहा, लग ना? नहीं, नहीं लग नहीं रहा. और देखें, वो अगर IMF के बगैर उन्होंने करना होता तो अब तक करना देते. कर चुके होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है. इट्स बीन सेवरल 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 मंथ्स. दे हैव मेड कमिटमेंट्स, दे हैव प्रॉमिस्ड अमाउंट्स, बट नथिंग हैज बीन फोर्थ कमिंग एब्सोल्युटली. बिकॉज बिकॉज इट सीम्स दैट द वर्ल्ड हैज डिसाइडेड कि यार अब तुम अपना घर ठीक करो. संभालो, बिल्कुल. हाँ, ठीक करो. एंड एंड लाइक मिफ्ता सेड इन वन ऑफ इट्स हिज इंटरव्यूज, मुझे लेटेस्ट पैच जो अभी आप बता रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन यू नो वन डे समबडी किसी के को इंटरव्यू दे रहे थे एंड ही सेड के डार साहब ही नो द एंकर सेड के डार साहब ने कहा कि आपको इतने पैसे अरेंज करके जाना चाहिए थे, आपने कुछ नहीं किया. तो उसने कहा मैंने किए थे, बट दे आर ऑल कंडीशनल अपॉन मीटिंग द IMF कंडीशंस, राइट? जो जो कतर सऊदी इन लोगों ने भी पैसे जो किए थे उन्होंने उसको कंडीशनल रखा था बिल्कुल बिल्कुल. अपॉन गोइंग इनटू द IMF प्रोग्राम. तो अगला आके अगर IMF प्रोग्राम रोक देता है और कंडीशंस मीट नहीं करता तो फिर उन लोगों के भी नहीं आते. सो आई डोंट नो, आई मीन दिस इज नॉट समथिंग दैट दैट वी कैन यू नो डिसाइड, बट एटलीस्ट इट अपियर्स दैट जो जो ये फ्रेंडली कंट्रीज हैं ये इन्होंने प्रेडिकेट किया है IMF कंडीशनलिटीज और IMF प्रोग्राम के अंदर जाने पे. बेशक, मुझे भी यही याद है. मुझे ये भी याद है कि सऊदी अरब ने उस टाइम पर ये शर्त भी लगाई थी कि इन केस IMF प्रोग्राम से बैकआउट होते हैं तो विदिन 72 आवर्स जो है वो वापस करना होगा डिपॉजिट, और नहीं होता है तो वो जो जो असेट्स हैं बाहर पाकिस्तान के उनको वो कैप्चर कर सकते हैं. दैट ऑप्शन दे हैड कैप्ट आउट. तो वो था. और प्लस मुझे ये भी लगता है कि हाँ, राइटली एज यू पॉइंटेड आउट कि अगर करना होता तो अब तक कर चुके होते. इनफैक्ट आज ताहा सिद्दीकी ने एक पिक्चर लगाई थी ट्वीट पर, बड़ी जबरदस्त, और वो ये थी कि राइट फ्रॉम कियानी एंड डाउनवर्ड्स वो लेकर आ रहे थे. हर एक जो है वो अब्दुल्ला के सामने, किंग अब्दुल्ला के सामने बैठा हुआ है कि भाई दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग. या गो अहेड. I ओके, swallowed something. Sorry, I'm coming in a second. या श्योर. तो अच्छा, तब तक हम ये सुन लेते हैं. जी नरेन, आपके इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया था. ओके, या हाँ, Sorry, you were saying about Kiani something? हाँ, तो ही वो सेइंग कि बेसिकली ये सारे के सारे किरानी एंड डाउनवर्ड्स जो बाद में सारे आए, तो दे वर ऑल बेसिकली ही पोस्टेड द पिक्चर्स ऑफ एवरीबडी, एवरी आर्मी चीफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ किंग अब्दुल्ला. ही वाज ट्राइंग टू अंडरलाइन बेसिकली कि हर एक जो आया है वो बेसिकली वहां पैसे लेने के लिए गया हुआ था. तो ठीक है, बट देन दैट्स अ फैक्ट, वी कांट निगेट दैट. मुझे नहीं पता कि आपको आपको लगता है कि अच्छा, इज देयर एनी पॉलिसी चेंज इन ऑन कश्मीर राइट नाउ एवर सिंस द न्यू आर्मी चीफ हैज कम इन? व्हाट्स योर असेसमेंट? I don't know. I think things have been hotting up in Kashmir, haven't they? दे हैव, या So that might indicate a policy change. ओके, somebody is asking कि if you Yeah. have any idea about where Mohid Yusuf has gone after IK regime. Vibe, totally. है ना? Yeah. No, nobody knows where he is. A lot of people, Murad Saeed, khair, anyway, I don't know, Mohid Yusuf has got nothing to do with Murad Saeed, but Murad Saeed, we are अल्लाह,
नहीं मुराद सईद उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा मत करो। बट नहीं है, मैं कह रही हूँ कि काफी लोग जो हैं, जो इमरान खान की हुकूमत के लोग थे, दे रियली हैव डिसअपीयर्ड, अ लॉट ऑफ पीपल डिसअपीयर्ड इंक्लूडिंग दिस मोईन यूसुफ गाय। ये जो है ना, अब जो कुछ भी होना है IMF वाला गेम, आपको लगता है कि ये जाहिर है कि जो भी सपोर्ट आनी है वो IMF के बाद ही आएगी? दैट मीन्स की टोटो जो भी उनकी कंडीशन है एज इट इज मानो और आगे बढ़ो, बेसिकली यही है। बिकॉज मुझे जहां पर डर लगा, जो मुझे डर लगा था वो ये भी, जब इन्होंने मीटिंग की स्टॉक एक्सचेंज वाली जो मीटिंग की थी हमारे इशाकदार साहब ने, तो जिस समय आप बिजी थे दोनों जगहों में, तो उस समय पे ये हुआ था कि उन्होंने कहा जाकर वहां कि एक साल के लिए जो 32 बिलियन चाहिए हमको, बेसिकली 22 बिलियन जो रीपे करना है और जून तक, और 10 बिलियन हमको जो करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए चाहिए वो हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो उसी दिन जैसे ही उन्होंने बोला, स्टॉक करीब 800 पॉइंट नीचे गिर गया था, तो बेसिकली नोबडी बिलीव्ड हिम, वाज क्लियर इंडिकेशन। एंड आफ्टरवर्ड्स फिर ये पता लगा कि अगले दिन उन्होंने फिर इसी तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी। तो अब नया उन्होंने क्या कहा है परसों कि हम अपने एसेट्स बेचेंगे, 3 बिलियन सऊदी से ले लेंगे, 1.2 बिलियन चाइना से लेंगे, और उसके बाद में हम अपने एसेट्स बेचेंगे, व्हिच मींस एयरपोर्ट्स वगैरह जो है वो करेंगे, और जो गवर्नमेंट ऑन कंपनीज है उसमें जो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं उनको बेचकर हम पैसे जनरेट करेंगे, व्हिच गेव मी एन इंडिकेशन एज इफ ही इज सेइंग कि भाई IMF तो आ नहीं रहा है, हमको बाकी के रिसोर्सेज से जनरेट करना है पैसे। तो दैट वॉज माई असेसमेंट, बट आई डोंट नो, आई मीन डू यू थिंक, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग एनीवेयर, अगर आप इस तरह से पैसे भी जनरेट कर लें, शेयर्स बेचकर, कंट्री के एसेट्स बेचकर, हाउ फार कैन दे गो एक्चुअली? एक्चुअली ये दिस इज नॉट न्यू, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, दिस वाज पार्ट ऑफ द प्लान व्हेन मिफ्ता वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, या एंड द प्लान वाज टू सेल शेयर्स इन ब्लू चिप कंपनीज, बट दैट हैजंट हैपेंड। ये तो हमारे पता नहीं क्या है, असासे हैं, ये है वो है, बट आई थिंक आपका जो आपका वाइडर पॉइंट है दैट्स एन इम्पोर्टेंट वन, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग न्यू वेल्थ। If you sell some assets, you're going to get a one-time inflow. Yeah. Right? Right. What are you going to do next time? Yeah, absolutely. Right? That is it. So, wealth creation karni hai, asset creation karni hai. Ye to assets bechne ki baat ho rahi hai na, wo to aap ek dafa bech sakte hain. Uske baad aap nayi companies to nahi bana rahe na, jo aap bechte chale jayenge. Sahi baat hai. Yes, but the thing is that there is some problem. I mean, 8 महीने हो गए, ये बात 8 महीने पहले हुई थी। बिल्कुल। और वो अभी भी ये कह रहे हैं दार साहब कि इस सबको जल्दी न किया सोचा जाए, इसको करने में टाइम लगेगा। यानी 8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, वो अभी भी टाइम की बात कर रहे हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू गो इन हरी, बट यू नीड मनी राइट नाउ। रिजर्व्स आर गोइंग डाउन वेरी फास्ट। Yeah. अच्छा, अभी जो चीज आज भी आप देखिए कि जो आज का डेटा आया है उसमें उन्होंने ये कहा है, 30 तारीख का दिसंबर का जो डेटा दिया गया है कि उसमें उन्होंने कहा कि 5.5 बिलियन बचा है, जो कि फैक्ट ये है कि अभी नहीं, 5 जनवरी का डेटा उन्होंने दिया है जो कि गलत दिया है, बिकॉज अगले 2 दिन में अभी 1 बिलियन ये दुबई के 2 बैंक्स को पे करने जा रहे हैं, एक को 400 बिलियन, एक को 600 मिलियन और 400 मिलियन। तो अगर ये भी गया तो मींस बेसिकली 4.5, एंड सो दैट्स व्हाट द कंडीशन इज। और उस पे नहीं, इट इज पॉसिबल कि दुबई वगैरह और सऊदी जो हैं वो रोल ओवर कर देते होते हैं अभी पहले। नहीं, ये कमर्शियल बैंक है कुल, ये जो लोन है ना ये कमर्शियल बैंक का है, उन्होंने मना कर दिया है क्योंकि जो S&P की जो रेटिंग आई थी वो आई थी इनकी CCC+ की,
तो जब वो रेटिंग आई उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि विल नॉट एक्सटेंड द लोन फर्दर, सो यू हैव टू रिटर्न इट। तो वो 1 बिलियन वहां जा रहा है, वो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम वापस कर रहे हैं, तो वो 5.5 में से वो 1 बिलियन भी जाएगा। तो दैट मीन्स कि यू नो इट्स बेसिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 4.5। तो आई डोंट नो, मतलब वो महीने के लिए भी पूरा नहीं हो रहा है, मुश्किल महीने के लिए पूरा है। और सो इस महीने के आखिर में वो कह रहे हैं कि हम इस महीने के आखिर तक ले आएंगे पैसे सऊदी से और चाइना से। लेट्स सी, यू नो मी एंड यू ऑब्वियसली यू नो देयर इज नॉट मच टू से ऑन दैट। तो डू यू थिंक इलेक्शंस कमिंग अप एनीवे अर्ली? नहीं, वही अक्टूबर, अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। You know what? They might even be not in October. They might. Abhi, it's too early to say, right? But elections ko der bhi ho sakti hai. Matlab usko lamba aage le jaye 24 mein. Lekin October se kabhi sawal bhi nahi uthta. That's not going to happen. Mujhe to ye lagta hai Gul ki if I were them, you know, frankly, 24 mein le jana banta hai. बिकॉज न तो आपका इलेक्टोरल उसके लिए वैल्यू तैयार हो पाएगी, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जो हार्ड डिसीजंस अभी लेंगे उनकी उनकी अलग मुश्किल है, बैकलैश आएगा उनका भी आपके ऊपर, इलेक्टोरल बैकलैश आएगा। तो और आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल गुंजाइश है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप 1 साल उसको बढ़ा सकते हैं, तो वाई नॉट, आई मीन ठीक है पहले कभी यूज नहीं हुआ है, बट नाउ ये कंडीशन भी तो पहले कभी नहीं आई है। यू नो तो ड्रास्टिक मेजर्स जो है वो आप ड्रास्टिक सिचुएशन में लेते ही हैं। तो डोंट यू थिंक, मुझे लगता है कि इनको फिर 24 में जाना ही चाहिए उस केस में कि भाई एक्सटेंडेड एज मच एज यू कैन। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कोई प्रोविजन अगर लेकर आते हैं, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या ऐसा कुछ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दे, तो क्या बुरा? आई डोंट नो रियली, बट सवाल आई थिंक आपका था कि अर्ली होंगे या नहीं, तो अर्ली का कोई सवाल नहीं उठता। हो सकता है, इट इज पॉसिबल, इट माइट बी द नीड एट दैट पॉइंट इन टाइम। यू नो इलेक्शंस इज बेसिकली अ बिग खर्चा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, और पैसे है नहीं, सो इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। और इलेक्शन जब कर लेंगे तो हुकूमत भी इसी ने वापस आना है, सो माइट इज वेल पुश। अच्छा एक और बात है गुल, ऐसे में क्योंकि अब अभी एक और चीज बड़ी कमाल की जो सुनने में आई थी कि बताई गई कि एस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज दे दिया गया है। हाँ, हम बात करते रहे, आप बात करें। ओके, हाँ, एक मैसेज दिया गया है, हाँ एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज ये दिया गया है कि भाई ये जो अपना इमरान खान को आप सेटल कीजिए किसी भी हाल में, और उसके बाद ही हम IMF की कंडीशंस पे साइन करेंगे। तो अब देखना यह है कि क्या IMF को, इनको इमरान खान को कोर्ट के जरिए सेटल करके अलग कर दिया जाएगा। सेटल करने से क्या मुराद है? बल सेटल करने से मतलब ये कि आप उसको इलेक्शन डिस्क्वालीफाई कीजिए, वो तो वो हो जाएगा, है ना? हाँ, ओके, डिस्क्वालीफाई तो उसने अभी हो ही जाना है। हाँ, क्योंकि मुझे आज, अब तो इनकी सुनवाई भी शुरू हो रही है, मेरे ख्याल से 7th को है शायद सुनवाई, फिर 20 को है, कुछ इस तरह का चल रहा है। हाँ, और मेरा ये ख्याल है उसके सेटल होने का IMF से कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए, राइट? उसने तो डिस्क्वालीफाई होना ही है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, लॉजिकल है, मतलब उसका डिस्क्वालीफाई होना मेरे लिए हैरानी नहीं होगी, द वेरी फैक्ट वो अब तक नहीं हुआ है इज समथिंग व्हिच इज सरप्राइजिंग फॉर मी। एग्जैक्टली, तो मेरा सीरियसली मानना ये था कि मतलब अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात कही गई है कि भाई ऐसा किया जाए, हम तभी IMF के पास जाएंगे, और तब तक वरना आप संभालो आपका काम जाने, ये दिस इज व्हाट द मैसेज कमिंग अक्रॉस। बट उस केस में यू नो फिर क्या माना जाए कि फौज अपोलिटिकल हुई? यू नो व्हाट, इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। इट इज आल्सो ए पॉलिटिकल डिसीजन टू बिकम न्यूट्रल और व्हाटएवर, राइट? एब्सोल्युटली, बेसिकली बात ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल हो गई है या ए पॉलिटिकल हो गई है, बेसिकली दे रियलाइज्ड that they basically bet on a disastrous horse, yeah, and they have to step back.
So stepping back is what they did from Imran Khan. It's a very considered, conscious decision कि इससे हमको पीछे हटना है. एक तो हमने गाली भी बहुत खाई है, बंदा भी गलत हमने चुना, तो अब पीछे हटो. तो पीछे तो हटे हैं इमरान खान से, पीछे तो हटे हैं. अब उसको आपने लफ्ज क्या देना है वो आपकी मर्जी है. इमरान खान से पीछे हटे हैं. और दूसरी बात ये है कि दे आर रिफ्यूजिंग टू मतलब कि नई हुकूमत को गिराने में वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे. उनकी अपनी जरूरत है कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट हो जो चलाए मुल्क को, जो मतलब गंद हो गया है उस गंद को साफ करे किसी तरीके से, किसी तरीके से पैसे आने शुरू हो, किसी तरीके से मईशत दोबारा चलनी शुरू हो. सो दे कैन नॉट रियली अफोर्ड टू mess with the new government. Or and you know why? Because there is no alternative. Jo alternative tha inke paas, wo karke dekh liya. Wo consume ho gaya, bilkul. To ab agar inko hatayenge ya hilayenge, to phir kya alternative hai inke paas? Koi nahi. Ek aur bhi mujhe lagta hai ki dusri baat ye hai ki jo larger policy matters hain वो अभी भी फौज ही चला रही है. ओके. या तो देखें द वेरी फैक्ट के अली वजीर अभी तक जेल में है. बिल्कुल. द वेरी फैक्ट के बलोच आर गोइंग स्टिल मिसिंग शुड टेल यू. बिलावल स्टेटमेंट शुड टेल यू. ये तालिबान स्टेटमेंट है, ये आपको पता लगता है कि ये कहाँ से आई है, कहाँ से आ रही है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. तो इसलिए ये ना कोई कहे कि ये एपॉलिटिकल हो गए हैं या ये. इस वक्त इनकी सिर्फ बात ये है कि इमरान खान को सपोर्ट नहीं करे, एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट. या बट देन उसमें क्या एक फायदा ये नहीं हो रहा है गुल कहीं ना कहीं कि अगर मान लीजिए इमरान खान को ये नहीं करते हैं और इमरान खान एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो गुल क्या पीडीएम के लिए सीधा मामला खुल नहीं जाता है कि भाई अपने हार्श डिसीजन भी ले लो, जो आपको इकोनॉमिक फैसले करने हैं कड़े आप वो भी कर लीजिए, और उसके बाद भी आपके लिए इलेक्शन जीतने का रास्ता खुला रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली बचे तो आप ही हैं, सामने अपोजिशन तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि पीटीआई ने तो बचना नहीं है इमरान खान के बाद. यार ये बच भी जाए, देखें मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ कि एक बंदे को डिस्क्वालिफाई कर दो ताकि हमारा रास्ता और हमारा री इलेक्शन. नो दैट्स नॉट द पॉइंट. ही इज नॉट द पॉइंट. हां दैट्स नॉट द रीजन. द रीजन ही इज गोइंग टू गेट डिस्क्वालिफाइड इज बिकॉज़ ये इसका केस बहुत स्ट्रांग है डिस्क्वालिफिकेशन का. एब्सोल्युटली है. तो अब अगर आप देखें ना वो जिस तरह से जावेद चौधरी ने कॉलम लिखे आफ्टर मीटिंग विद कि मैंने इसको 2017 में डिस्क्वालिफिकेशन से बचाया था ताकि ये वजीर आजम बने. जी बिल्कुल. केस बहुत स्ट्रांग है ना, तो केस बहुत स्ट्रांग है, ये तो होगा डिस्क्वालिफाई, इसने झूठ बोल दिया. जी बोल क्या लगता है, देखो ना जहाँ एक तरफ एक आदमी का केस बहुत स्ट्रांग है और फिर भी अब तक उसको सजा नहीं हुई है, लेकिन वही एक आदमी का केस बेहद वीक था लेकिन उसको इमीडिएटली सजा दी गई, आनंद फानन में सजा दी गई. मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ. तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि दरअसल इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता नहीं किसका केस स्ट्रांग है और किसका केस कमजोर है, क्योंकि जो जो डोरे हैं वो तो किसी और के हाथ में है. तो इसलिए ये पुश किया जाना कि भाई आप इसको हटाएं ताकि हम ये कर पाए, इट डजंट मेक सेंस. No. I don't think that's what they're doing. इसको हटाएं ताकि हम ये कर पाएं. आप इसको खुला भी छोड़ दें तो ये इलेक्शन जीत के नहीं आ सकता. उस आदमी ने इलेक्शन जीत कर आना होता है, वो डेस्परेट नहीं होता कि चीफ मैं लगाऊं ताकि वो मुझे धांधली करके जितवाए. जिस आदमी ने इलेक्शन में जीत कर आना होता है वो 8-10 महीने वेट कर लेता है. वो पागलों की तरह सड़कों पे नहीं भाग रहा होता कि मुझे अभी इलेक्शन चाहिए, अभी 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 अभी, और चीफ मैंने खुद लगाना है, कोई और चीफ नहीं लगाएगा. आई मीन इमरान खान कैन नॉट विन, ये आप अपने ज़हन से निकाल दें, बट ही डिजर्व्स अ डिस्क्वालिफिकेशन.
या नहीं, दूसरे को एक और बात है ना कि आप देखो, अगर आप पब्लिक की अगर बात देखो, बात अगर करें आप पब्लिक की गुलाल, अगर पब्लिक की बात देखो तो जिताया तो इसको पब्लिक ने तब भी नहीं था, 2018 में भी कहाँ जिताया था, नहीं तब जिताया भी था, आपको, हाँ बट तब महेश, भी तुमको आर्टिस्ट होना। दीज आर द करेक्शंस विच आर रिक्वायर्ड. जैसे आपने कहा, क्या फर्क पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है? नो, फर्क पड़ता है, ताकि हम एक सॉरी ताकि हम एक अदल के निजाम की तरफ तो जाए ना, कोई सिस्टम काम करना शुरू हो. हम आज भी नहीं चाहते कि गलत इसको कोई सजा मिले. इसके अब सिस्टम को चलाना बड़ा जरूरी है. सिस्टम नहीं चलेगा तो मुल्क नहीं चलेगा. ये जब सारे बिल्कुल को खराब करके इन्होंने एक हुकूमत गिरा के दूसरी बिठाई थी, तो क्या हुआ मुल्क के साथ? ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक. बिल्कुल सो द थिंग इज, नीड द सिस्टम टू स्टार्ट वर्किंग. सो इट्स इम्पोर्टेंट. गुल, मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत लंबा हो गया आपके लिए भी, और बहुत आप बिल्कुल स्ट्रेस, हाँ बहुत लंबा हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो आज के लिए इसको यहाँ बंद करते हैं, और होपफुली सम टाइम नेक्स्ट वीक विल फाइंड आउट मोर टाइम एंड देन विल डू इट कंफर्टेबली। या थैंक यू, सो थैंक यू. थैंक यू सो मच गुल, या टेक केयर, टेक टेक केयर। केयर.